महाबाहो, ओ द वन विद लॉन्ग आर्म्स, श्रृणु मे वचा परमम एव भूय। लिसन टू माय वर्ड्स एक्सलेंट इवन अगेन। अहम वक्षामि यत् प्रियमाणाय। आई विल नरेट देम हु हैज बिकम अफेक्शनेट। हितकामेया ते विद द डिजायर ऑफ योर बेनिफिट। महाबाहो, श्रृणु मे वचा परमम एव भूय। अहम वक्षामि यत् प्रियमाणाय। हितकामेया ते। इंटरप्रिटेशन। श्री गॉड सेड, ओ द वन विद लॉन्ग आर्म्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्पर्स, लिसन टू माय वर्ड्स एक्सलेंट दैन दैट ऑफ इवन द रिलीजियस फादर्स और सेजेस एंड सेंट्स अगेन। आई विल नरेट देम टू यू, द वन हु हैज बिकम द बेस्ट अफेक्शनेट इवन अमंग द नॉलेजेबल वंस इन लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग विद द डिजायर ऑफ योर बेनिफिट। It is because there is benefit of the entire world tree through your seed form. असलीव आज से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। Aren't the eight deities the helpers of God from the beginning till the end? Student, they are. महाबाहु ने कहा है गीता में। Isn't it said महाबाहु in the Gita? भगवान को क्या कहा है? What is said for God? भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं। द आर्म्स ऑफ गॉड आर वेरी लॉन्ग। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक सहयोगी बनते। लॉन्ग मीन्स दे बिकम हेल्पर्स फ्रॉम द फर्स्ट बर्थ टिल द 84th बर्थ। तो लंबी भुजाएं होनी है छोटी भुजाएं है? लंबी। देन आर दे लॉन्ग आर्म्स और शॉर्ट आर्म्स? स्टूडेंट, लॉन्ग। दे आर लॉन्ग आर्म्स। अनदर स्टूडेंट, आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरे कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होंगी इस सृष्टि पर, सदा कायम कौन है? देयर विल बी सम सोल्स लाइक दिस टू, हु इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड? स्टूडेंट्स, शिव बाबा। 84 जन्म कायम है। इज ही प्रेजेंट फॉर 84 बर्थ्स? अरे है कि नहीं? जब है। अरे इज ही और नॉट? Tell me soon. Student, yes, he is. He is. तो जो 84 जन्म शक्ति पर सदा कायम है, उसके कोई सहयोगी होते हैं या नहीं होते? So the one who is always present for 84 births, does he have some helpers or not? आज से अंत तक जो सहयोगी होते हैं, वो भगवान के सहयोगी होते हैं। Students, he has. Those who are helpers from the beginning till the end, they are the helper arms of God. तो लंबी भुजाएं हुई या छोटी भुजाएं? लंबी। महाबाहु हो गया। So are the arms long or short? Student, long. The arms are long. He became महाबाहु। निराकार आत्माओं का बाप है तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना? The incorporeal one is the father of the souls. So he will certainly give incorporeal inheritance, won't he? Nirakari varsa hai gyan. The incorporeal inheritance is knowledge. Wo sarvashrestha cheez hai is duniya ki. Jo gyan Bhagwan aakar ke deta hai. The knowledge that God gives after coming is the best thing in this world. Manush roop mein dharm pita hai jo gyan dete hain. वो सब नर हैं। The religious fathers in the human form who give knowledge, they all are nar, that is men. नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। They just establish नरक, that is hell. They just make this world into hell. एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। इट इज ओनली द सोल ऑफ शिव, द सुप्रीम सोल, द फादर ऑफ एवरी वन, हु डजंट हैव एनी फादर। इस मनुष्य सृष्टि में जड़ जंगम सृष्टि में जो जगत पिता है, उसका भी पिता।
ही इज द फादर ऑफ इवन द वर्ल्ड फादर इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड द इनर्ट एंड लिविंग वर्ल्ड। मैंने मनुष्यों में जो ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी है रंगमंच का हीरो पार्टधारी है उसका भी पिता। इट मीन्स ही इज इवन द फादर ऑफ द हाइएस्ट ऑफ हाई एक्टर अमंग द ह्यूमन बीइंग्स द हीरो एक्टर ऑफ द स्टेज। तो वो शिव इसे सृष्टि पर जब आता है तो क्या देता है? सो व्हेन शिव कम्स इन दिस वर्ल्ड व्हाट डज ही गिव? अभी बताया निराकार आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। इट वॉज सेड जस्ट नाउ स्टूडेंट्स नॉलेज। यस ही गिव्स द इनकॉर्पोरियल नॉलेज टू द इनकॉर्पोरियल चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ सोल्स। एक एक को अलग अलग देता है या लेने वाले नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं? Does he give it to each one separately or do the takers take it number wise according to the purusharth? Students, the takers take it number wise. वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। He just shows the path of truth. सत्य बात बताता है। He tells the truth. जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। Which is called as the knowledge of the गीता। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। The mother गीता is famous as the crown jewel among all the scriptures even today in भारत। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, They may be the follower of any religion of the world. उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। Their religious scriptures don't have as deep knowledge as in the श्रीमद् भगवत गीता। और एक ही ये धर्म शास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। In addition, it is the only religious scripture of the world which is named as Bhagavad Gita, that is the Gita sung by God. और सब धर्म शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। All the other scriptures are either written or sung by human beings. भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका रथ है या रथ किसी और का है? The chariot in which God enters, is it his own chariot or the chariot of someone else? Arjun ka rath hai na? It is the chariot of Arjun, isn't it? To Arjun jo hai, usko manarupi ghoda nahi hai kya? Hai na? So doesn't Arjun have horse in the form of mind? He has. To wo gupta hai. So that is incognito. Kya? What? वो ज्ञान को समझने वाली आत्मा है जो डायरेक्ट शिव से ज्ञान को पूरा समझती है। He is the soul who understands the knowledge. He understands the knowledge completely directly from Shiv. ऐसे तो इतने बीच में बताया गया कि कौरवों की सेना भी खड़ी है, यादवों की सेना भी खड़ी है और पांडवों की सेना भी खड़ी है, सारी सेना के बीच ज्ञान किसको दिया गया? As such, it was said that the army of Kauravas, Yadavas as well as the Pandavas is standing. But who was given the knowledge amidst all the armies? Direct सुनाया किसको? अर्जुन को। To whom was it narrated directly? Yes, to Arjun. एक को क्यों सुनाया? Why did he narrate only to one soul? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए भी कहा। Just like it was said for दादा लेखराज ब्रह्मा too. क्या कहा? What was said? मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। I narrate the knowledge to you children. This one listens in between. क्या? What?
वास्तव में बात किससे की जाती है? एक्चुअली टू हुम डज ही टॉक? बात उससे की जाती है जो काम को पूरा करे। ही टॉक्स टू द वन हु कम्प्लीट्स द टास्क। और जो है ही बच्चा बुद्धि, बात समझता ही नहीं, तो काम क्या पूरा करेगा। एंड द वन हु सर्टेनली हैज अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट, द वन हु डजंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एट ऑल, हाउ विल ही कम्प्लीट द टास्क? तो बताया कि अर्जुन को ही स्पेशल ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान दिया। सो इट वॉज सेड अर्जुन अलोन वॉज स्पेशली गिवन द नॉलेज, ही सैट इन द चैरियट ऑफ अर्जुन एंड गेव नॉलेज। अब रथ कोई स्थूल तो है नहीं। नाउ सर्टेनली द चैरियट इजंट फिजिकल। क्या? व्हाट? शास्त्रों में तो ये भी तो बताया, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु। इट वॉज ऑल्सो मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु। क्या? शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। व्हाट? इट मीन्स कंसिडर द बॉडी टू बी अ चैरियट एंड द इंद्रिया टू बी हॉर्सेस। तो क्या समझे? सो व्हाट शुड बी अंडरस्टैंड? वो रथ जो है वो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का शरीर है। दैट चैरियट इज द चैरियट ऑफ अर्जुन, द बॉडी ऑफ अर्जुन। उस ब्रह्मा के मुख से निकली जो वेद वाणी कही जाती है, द वर्ड्स नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा आर कॉल्ड एज वेद वाणी। विद माने जानना, विद मीन्स टू नो, वेद वाणी माने जानकारी देने वाली वाणी, सच्चाई की। वेद वाणी मीन्स द वाणी दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रुथ। उस वेद वाणी को सुना तो, सुनाई तो गई। दैट वेद वाणी वॉज सर्टेनली हर्ड, इट वॉज सर्टेनली नरेटेड। सुनाने वालों ने सुनाई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन समझा, समझा किसी ने नहीं। द नरेटर्स नरेटेड इट एंड द लिसनर्स लिसन टू इट बट नो वन अंडरस्टूड इट। इसीलिए भक्ति मार्ग में देखा जाता है, दिस इज वाई इट इज ऑब्जर्व इन द पाथ ऑफ भक्ति, कि आज वेद वाणी को कोई पढ़ता है? डज एनी वन रीड वेद वाणी टूडे? वेदों की ऋचाओं को कोई पढ़ता है? डज एनी वन रीड द वर्सेस ऑफ द वेदास? सुनता है। डज एनी वन लिसन टू देम? न सुनता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न सुनाता है। क्यों? नीदर एनी वन लिसन्स नॉर रीड्स, नीदर एनी वन टीचेस नॉर नरेट्स इट। व्हाई? बात सुनी गई लेकिन उसकी गहराई को समझा किसी ने नहीं। इट इज बिकॉज द वर्ड्स वेर हर्ड बट नो वन अंडरस्टूड इट्स डेप्थ। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। फॉर दिस इट इज सेड कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान ही उतर आए। इधर रवि मीनिंग गॉड द सन ऑफ नॉलेज हिमसेल्फ शुड डिसेंड। तो उस वाणी की गहराई को समझा सकता है सुप्रीम टीचर के रूप में, जिससे बड़ा टीचर कोई होता ही नहीं। देन ही कैन एक्सप्लेन द डेप्थ ऑफ दैट वाणी इन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम टीचर हु डजंट हैव एनी टीचर हायर देन हिम एट ऑल। या तो ज्ञान सूर्य बता सकता है। इधर द सन ऑफ नॉलेज कैन टेल इट। या तो वो कवि उतर आए, पहचान लिया जाए। जो कहते हैं और दैट कवि दैट इज पोएट शुड डिसेंड एंड ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हुम इट इज सेड। व्यास प्रसादात, व्यास प्रसादात। गीता के श्लोक में लिखा है, इट इज रिटन इन द श्लोक ऑफ द गीता, व्यास के प्रसाद से, प्रसन्नता से ये ज्ञान विस्तार को पाया, गीता ज्ञान मिला। दिस नॉलेज वॉज स्प्रेड थ्रू द प्रसाद द प्लेजर ऑफ व्यास, द नॉलेज ऑफ द गीता वॉज ऑब्टेन्ड।
तो और ये भी कहते हैं वेद व्यास, इट इज ऑल्सो सेड वेद व्यास, माने वेद किसने लिखे? व्यास ने लिखे। इट मीन्स हु रोट द वेदास, व्यास रोट देम। तो वो दाढ़ी मूछ वाला व्यास जो मनुष्य रूप में कोई ऊंचे से ऊंचा कवि हुआ, सो दैट व्यास विद अ बियर्ड एंड अ मुस्टैच, द वन हु वाज द हाईएस्ट पोएट इन द ह्यूमन फॉर्म, उसने जो भी सुनाया या बाद में उसे लिखा गया, व्हाटएवर ही नरेटेड एट दैट टाइम और इफ इट वाज रिटन लेटर ऑन, वो कवि तो बाद में रहा नहीं, दैट पोएट डिडंट एग्जिस्ट लेटर ऑन, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, बिकॉज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उसे गीता ज्ञान का, उसे वेद वाणी का सही इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या कौन करेगा? So who will give the correct interpretation, the correct explanation of that knowledge of the Gita, that Vedvani? जो सब की समझ में आए, 500-700 crore मनुष्य मात्र उसे इनकार न कर सके। So that everyone understands it, so that all the 5-7 billion human beings can't deny it. ऐसी व्याख्या कोई कर सकता है? सिवाय ज्ञान सूर्य भगवान के, अथवा वो पुराने थे पुराने कवि व्यास के। कैन एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड द सन ऑफ नॉलेज और व्यास दैट एंशिएंट पोएट गिव सच एन एक्सप्लेनेशन? ब्रह्मलोक है, आत्माओं का लोक, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का लोक है। सो ब्रह्मलोक, द अबोड ऑफ द सोल्स, द अबोड ऑफ द पॉइंट लाइक इनकॉर्पोरियल सोल्स, उस लोक का जो मुखिया आत्मा है, सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहने वाली है। द चीफ सोल ऑफ दैट अबोड हु रिमेन्स इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज द मोस्ट, और जन्म मरण के चक्र से भी न्यारी है, गर्भ से उसका जन्म कभी होता ही नहीं। And is also beyond the cycle of birth and death, is never born through the womb. वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। When that soul comes to this world, he enters that very permanent chariot, who is the seed of the entire human world. जिसको हिंदू लोग कहते हैं तमादि देव है, पुरुष है, पुराण है। The Hindus call him Tvamadi Deva Purusha Purana, meaning you are the first deity and the most ancient man. Purana te purana purusha hai, is shashti rupi rangmanch ka. He is the oldest man of this stage-like world. Main jab aata hun, when I come, to jab sari duniya daldal mein doob jati hai, to choti pakad karke khichta hun. When the entire world sinks in the mire, I hold the choti, that is top knot and pull. तो जो ब्राह्मण चोटी है उस चोटी को पकड़ करके खींचता है। कैसे खींचता है? So the one who is the topmost Brahmin, that is Brahmin choti, I hold that choti and pull him. How does he pull him? है? ज्ञान की डोर से। Through the string of knowledge. ज्ञान की डोर से उसमें गांठ बांधी और उसमें शिवलिंग बना याद और खींचा। He tied a knot with the string of knowledge, the shivling, the remembrance was formed and he pulled him. तो सारी सृष्टि खींची, सृष्टि रूपी विराट पुरुष खींच के ऊपर आ जाता, उबर जाता। Then the entire world in the form of विराट पुरुष, that is the universal form, is pulled and comes on the surface. He is saved. Mukti aur jeevan mukti ko pa jata. He attains mukti and jeevan mukti. To wo hi bij hai. So he himself is the seed.
जो सारी सृष्टि के उत्थान का भी कारण है। हु इज द कॉज ऑफ अपलिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड टू।